बात 1970 के दशक की शुरुआत की है। ब्रेंडा मायर्स पॉवेल तब बच्ची ही थीं जब उन्हें देह व्यापार में धकेल दिया गया था। 3 दशक बाद यहां वो अपनी कहानी बता रही हैं कि कैसे वो उन गलियों में पहुंची। कोई और लड़की ऐसे जाल में न फंसे ये तय करने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी क्यों समर्पित कर दी। उनकी कहानी कुछ लोगों को असहज कर सकती है। शुरुआती जिंदगी, शुरुआत से ही उनकी जिंदगी खटास भरी थी, लेकिन उन्होंने हमेशा इसमें रस घोलने की कोशिश की। उनका बचपन 1960 के दशक में पश्चिमी शिकागो में बीता। वे जब 6 महीने की थी तभी उनकी माँ की मौत हो गई। उस वक्त उनकी माँ सिर्फ 16 बरस की थी। उन्हें ये कभी पता नहीं चला कि उनकी मौत कैसे हुई। बहुत अधिक शराब पीने वाली उनकी दादी उन्हें कभी नहीं बता सकी। उन्होंने सुना है कि वो खूबसूरत थी और उनका हास्य बहुत अच्छा था। वो जानती थी कि ये सच है क्योंकि वो सोचती थी वो भी ऐसी ही है। बचपन का दर्द, उनके दादी ने उनकी देखभाल की, वो बुरी नहीं थी, कुछ मायनों में वो बेहतरीन थी। उन्हें सिर्फ शराब पीने की समस्या थी। वो अपने साथ पीने वाले साथियों को बार से घर ले आती। वो जब मदहोश हो जाती उनके साथ आने वाला शख्स उनके साथ हरकतें शुरू कर देता। ये सब कुछ उसी वक्त शुरू हो गया था जबकि वो सिर्फ 4 या 5 साल की थी और ये रोजमर्रा की बात बन गई। दादी दूसरों के घरों में काम करती थी। उन्हें काम पर जाने में 2 घंटे लगते थे और वापस आने में भी इतना ही वक्त लगता था। ऐसे में वो ताले में बंद रहने वाली बच्ची थी। एक चाबी उनकी गर्दन में लटकी रहती थी। वो खुद ही स्कूल जाती थी और वापस आती थी। उनका उत्पीड़न करने वाले ये जानते थे और इसका फायदा उठाते थे। कैसे सपने, वे अपने घर के बाहर गली में आकर्षक बालों और चमकीले कपड़ों वाली महिलाओं को खड़ा देखती थी। उन्हें पता नहीं था कि वे वहां क्यों खड़ी रहती हैं। उन्हें वो चमक दमक भरी दिखती थी। बचपन में वो भी चमकती दमकती दिखना चाहती थी। एक दिन उन्होंने दादी से उन महिलाओं के बारे में पूछा। उन्होंने जवाब दिया, वो महिलाएं अपनी पैंटी उतारती हैं और पुरुष उन्हें पैसे देते हैं। उन्होंने खुद से कहा, मैं भी शायद यही करूंगी। वो बिंदास लड़की थी। वो बहुत हंसती थी। उन्हें बहुत डर भी लगता था। उन्हें ये पता नहीं था कि उनके साथ जो हो रहा है उसमें उनकी गलती है या नहीं। वे सोचती थी कि उनके साथ कुछ गलत है। स्मार्ट बच्ची होने के बावजूद स्कूल से उनका संपर्क कट गया। 1970 का दशक आते आते वो एक ऐसी लड़की में तब्दील हो गई जिसे नहीं बोलना आता नहीं था। उस दौरान वो सिर्फ रोती रही। मोहल्ले का कोई भी लड़का उनसे अच्छी तरह पेश आकर या ये बताकर कि वो उन्हें पसंद करता है उनके करीब आ सकता था। जब तक वे 14 बरस की हुई तब तक मोहल्ले के लड़कों के साथ संपर्क से उनकी 2 बेटियां हो चुकी थीं। उनकी दादी ने उनसे कहना शुरू किया कि उन्हें उन बच्चियों के लिए कुछ कमाई करनी चाहिए। बच्चों की खातिर एक गुड फ्राइडे की शाम वे मार्क ट्वेन होटल के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने 2-पीस ड्रेस पहनी हुई थी जिसकी कीमत कोई $3.99 थी। उन्होंने सस्ते से प्लास्टिक के जूते पहने थे। ये सोचकर नारंगी रंग की लिपस्टिक लगाई थी कि वो बड़ी दिखेगी। वो सिर्फ 14 बरस की थी और जो कुछ हुआ उस दौरान वे सिर्फ रोती रही। उस रात उन्हें डेट करने वाले 5 लोग ने दिखाया कि क्या करना चाहिए। उन्होंने $400 कमाए लेकिन घर तक जाने के लिए टैक्सी नहीं ली। वो ट्रेन से घर पहुंची और कमाई का ज्यादातर हिस्सा दादी को दे दिया। उन्होंने ये नहीं पूछा कि ये पैसे कहां से आए। अगले हफ्ते के आखिर में वे फिर उसी जगह पहुंची और ऐसा लगा कि जब वे पैसे लेकर घर लौटी तो उनकी दादी खुश थी। दलालों ने घेरा। तीसरी बार जब वे वहां पहुंची तो कुछ लड़के पिस्तौल के दम पर उन्हें अपनी कार में ले गए। उनका कहना था कि गली में उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है। उन्होंने मक्के के एक सुनसान खेत में ले जाकर उनके साथ बलात्कार किया। फिर वो उन्हें एक होटल की कोठरी में ले गए और बंद कर दिया। दलाल लड़कियों का मनोबल तोड़ने के लिए ऐसा ही करते हैं। दलालों ने करीब 6 महीने तक उनकी दलाली की। वो घर नहीं जा पाती थी। ब्रेंडा मायर्स ने भागने की कोशिश की लेकिन उन दलालों उन्हें पकड़ लिया और उन्हें खासी तकलीफ दी। बाद में दूसरे लोगों ने उनका सौदा किया। शारीरिक तकलीफ भयानक थी लेकिन असल तकलीफ मानसिक थी। उन्हें 5 बार गोली मारी गई, 13 बार चाकू घोंपा गया। उन्हें पता नहीं उन लोगों ने उन पर हमला क्यों किया। वो सिर्फ ये जानती थी कि समाज ने उन्हें आराम से ये सब करने की स्थितियां दी हुई हैं। जिस्म या टॉयलेट, दलाल टॉर्चर यानी तकलीफ देने में माहिर होते हैं। वो बड़े तिकड़मी होते हैं। उनमें से कुछ आपको बीच रात सिर पर बंदूक तानकर उठाएंगे। कुछ दिखाएंगे कि वो आपको भाव देते हैं। वो कहेंगे, तुम्हें मेरे लिए सिर्फ ये एक काम करना है और तुम्हें अच्छा हिस्सा मिलेगा, लेकिन ये कभी मिलता नहीं। कुछ लोग वैश्यावृत्ति को ग्लैमरस और सजीला बताते हैं लेकिन वैसा यहाँ कुछ नहीं है। एक यौनकर्मी को एक दिन में 5 अनजान लोगों के साथ सोना पड़ सकता है।
साल में 1800 से ज्यादा लोगों के साथ। ब्रंडा मोयस कहते हैं यहाँ कोई फूल लेकर नहीं आता, वो जिस्म को सिर्फ टॉयलेट तरह इस्तेमाल करते हैं। नई जिंदगी। यौनकर्मी के तौर पर 25 साल में ब्रंडा मोयस को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। 1 अप्रैल 1997 को, तब वे 40 साल की थी, एक ग्राहक ने उन्हें अपनी कार से बाहर फेंक दिया। उनकी ड्रेस उसकी कार के दरवाजे में फंस गई। वो उन्हें जमीन पर घसीटते हुए ले गया। उनके चेहरे की चमड़ी और शरीर का हिस्सा उधड़ गया। वे शिकागो के काउंटी हॉस्पिटल पहुंची। उन्हें इमरजेंसी में ले जाया गया। उन्होंने एक पुलिस अधिकारी को बुलाया। उसने ब्रंडा मोयस को देखते ही कहा, मैं इसे जानता हूँ, ये एक वेश्या है, शायद इसने किसी को पीटा और उसके पैसे छीन लिए। इसके साथ वही हुआ जिसके ये लायक है। उन्हें उसके साथ नर्सों के हंसने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने उन्हें वेटिंग रूम में धकेल दिया। उन्होंने ऊपर देखा और गॉड से कहा, इन लोगों को मेरी फिक्र नहीं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? गॉड ने वाकई तेजी दिखाई। एक डॉक्टर ने उनकी देखभाल की। उसने उन्हें हॉस्पिटल की सोशल सर्विस देखने को कहा। उन्होंने जेनेसिस हाउस नाम की जगह तक जाने के लिए बस का पास दिया। वहां उन्हें एडविना गेटली नाम की अंग्रेज महिला मिली, जो उनकी नायिका और मेंटर बनी। ये एक सुरक्षित जगह थी जहां उनकी जरूरत का हर सामान मौजूद था। वो वहां 2 साल रुकी। उनके चेहरे और आत्मा के घाव भर गए। एडविना से उन्होंने सीखा कि महिलाओं का समूह कैसे एक दूसरे को प्यार और समर्थन दे सकता है। सामान्य तौर पर जब एक महिला वैश्यावृत्ति से बाहर आती है तो वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। उन्हें अब एक नौकरी की तलाश थी। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी की शोधकर्ता के काम में मदद के लिए सेक्स वर्कर्स के बीच काम शुरू किया और उन्हें पता चला कि कोई उनकी मदद नहीं कर रहा। स्टीफन डैनियल्स विल्सन के साथ 2008 में उन्होंने ड्रीमकैचर फाउंडेशन बनाया। वो लड़कियों और महिलाओं के जीवन से बुरे सपनों को दूर करना चाहते थे। हाल में किम लॉगिनोटो के निर्देशन में बनी फिल्म ड्रीमकैचर में उनके काम को दिखाया गया है। बाकी है जिंदगी। अब तक उन्होंने 13 लड़कियों को हाईस्कूल से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कराई है। इसके अलावा उन्होंने कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और यौनकर्मियों पर अध्ययन में योगदान दिया। ब्रेंडा मायर्स की बेटियां, जिन्हें उनकी आंटी ने बड़ा किया, शानदार महिलाएं हैं। उनमें से एक डॉक्टर है और दूसरी क्रिमिनल जस्टिस के लिए काम करती है। उनके पति और उन्होंने अपने भतीजे को गोद लिया है। वे मोटी ताजी 58 साल की महिला हूँ। ब्रेंडा मायर्स कहती है कि तमाम नुकसान और दर्द के बाद भी जीवन बाकी रहता है।